बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मोहब्बत की एक अजीब दास्तान पेश करने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। एक दफ़ा एक नौजवान ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था वो अपनी बीवी से, मगर एक दिन इस लड़की को स्किन की कोई बीमारी लग गई जिससे इसकी खूबसूरती रोज़ बरोज़ कम होती जा रही थी। एक दिन इसका मियाँ किसी सफ़र पर निकला, वापस आते हुए इसे हादसा पेश आया जिसमें इसकी दोनों आँखें जाती रहीं। खैर, इनकी अज़्दवाजी ज़िंदगी यूं ही चलती रही और इसकी बीवी की खूबसूरती मज़ीद आए दिन कम होती गई। मगर अंधे आदमी को इस बात का इलम नहीं था, लिहाजा इनकी ज़िंदगी पर इसका कोई असर भी ना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन इस लड़की का इंतकाल हो गया। इसका खावंद नहायत उदास और परेशान था इस सदमे से, जिसके बायस इसने अपना सब कुछ फरोख्त कर डाला और इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक आदमी ने इसका पीछा किया और आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाबन कहा, मैं अंधा नहीं था मगर इसे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर इसे ये पता होता कि मैं इसकी बदसूरती देखकर इससे बदज़न हो जाऊँगा तो ये एहसास इसे इसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देती, इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस इसे खुश रखना चाह रहा था।